क्या करेगी दादी को ब्लैकमेल, इश्के की तरह खेलेगी खेल। सोनी टीवी के सबसे ज्यादा पॉपुलर हो रहे शो इश्क पे जोर नहीं की कहानी में अब दादी का भांजा जस्ट फूटने ही वाला है, क्योंकि सावित्री के साथ इश्की मिली हुई है। इस बात से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ है दादी, लेकिन अब ये सच्चाई रिया के भी सामने आती हुई नजर आने वाली है कि इश्की और सावित्री जो है वो हाथ मिला चुके हैं और इश्की पूरा पूरा सावित्री को ही सपोर्ट कर रही है और कभी भी सावित्री और इश्की मिलकर दादी का भांजा फोड़ सकते हैं। जिसके साथ ही अब इस मौके का फायदा उठाते हुए अब रिया भी अब दादी को ब्लैकमेल करने का मौका नहीं छोड़ने वाली है और अब दादी से कहने वाली है कि अब तो मैं भी आपकी सच्चाई को जानती हूँ और अगर आपका सच आहान तक पहुँच गया तो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला है। इसके लिए अब आपको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। और अब रिया दादी के सामने ये शर्त रखती हुई नजर आने वाली है कि अगर दादी ने कुछ भी करके आहान के साथ रिया की शादी नहीं करवाई तो रिया अब आहान के सामने दादी का भांजा फोड़ देगी कि कितने सालों से सावित्री को पागल बनाकर रखने के पीछे किसी और का नहीं बल्कि दादी का ही हाथ था। तो क्या होने वाला अब शो के आगे की कहानी में, जानने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल, लाइक कीजिए इस वीडियो को, कमेंट्स में व्यूज जरूर बताएं, साथ साथ हमारे चैनल की नोटिफिकेशन ऑन करना भी बिल्कुल भी ना भूलें।